क्वेश्चन आपको दे रखा है, देर आर टू फोर्सेस वेक्टर, वन इज 5 न्यूटन एंड अदर इज 12 न्यूटन, एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडिड टू गेट वेक्टर ऑफ 17 न्यूटन, कि एंगल क्या हो कि दोनों वेक्टर को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट है वो कितना है 17 न्यूटन, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा ये बताना है आपको, जब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 17 न्यूटन कब आ सकता है, एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में आर जो मैक्सिमम आ सकता है इनका, इन दोनों फोर्सेस का मैक्सिमम जो आएगा वो क्या आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लगे, तो 5 और 12 इन दोनों का सम जो आएगा वो कितना आएगा 17 न्यूटन। और इसने यही कह रखा है कि रिजल्टेंट 17 होगा, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। आपको सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको सोल्व करना है तो आप फॉर्मूला लगा दो रिजल्टेंट का, आर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट दे रखा है आपको 17 इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर प्लस 2 × 12 × 5 × cos थीटा, यहाँ से 17 का स्केयर हो जाएगा आपके पास 289। दोनों साइड क्या कर दो, यहाँ पे स्केयरिंग कर दो, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 17 का स्केयर इक्वल टू 5 का स्केयर, रूट से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 का स्केयर, दोनों साइड अगर स्केयरिंग करोगे तो 17 का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे स्केयर करोगे तो स्केयर से रूट कैंसिल, प्लस में ये आ जाएगा आपके पास 120 cos थीटा, ठीक है। 17 का स्केयर 289 इक्वल टू 25 प्लस 144 12 का स्केयर प्लस 120 cos थीटा, 289 इक्वल टू 169 प्लस 120 cos थीटा, यह आ जाएगा आपके पास 289 माइनस 169 इक्वल टू 120 cos थीटा इक्वल टू 120 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120 डिवाइड बाय में 120 इक्वल टू cos थीटा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू है 1 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। कोस थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो यानी कि थीटा क्या होगा यहाँ पे 0 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर बिना सोल्व करे भी आप बता सकते हैं कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में लगेंगे तभी रिजल्टेंट क्या आ सकता है 17 न्यूटन, तो यानी कि थीटा की वैल्यू दोनों फोर्सेज के बीच क्या होगी 0 डिग्री। इसने कहा एट वट एंगल द वैक्टर्स बी एडिड टू गेट रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ 7 न्यूटन, इन दोनों का कि इन दोनों के बीच एंगल क्या हो कि रिजल्टेंट क्या है 7 न्यूटन आए, तो दोनों अगर अपोजिट में होंगे तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा अपोजिट इक्वल 7 न्यूटन आएगा, यानी कि अगर एक ब्लॉक है मान लो उसके ऊपर 5 न्यूटन इधर लगे और 12 न्यूटन इधर लगे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आएगा 7 न्यूटन, यानी कि इन दोनों फोर्सेज के बीच एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा सी 180 डिग्री। अगर आपको सोल्व करना है तो इसी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे आर की वैल्यू आप 7 पुट कर दो, ए की वैल्यू यही 5, बी की वैल्यू 12, सेम एज इट इज़, यहाँ पे आर की वैल्यू आपको 12 पुट करनी है, तो थीटा यहाँ से इसी मेथड से आएगा आपके पास 180 डिग्री। और अब डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, दोनों अगर अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो उस केस में रिजल्टेंट मिनिमम आता है, और इस केस में मिनिमम इसने 7 बोल रखा था, 7 तभी आएगा जब दोनों का क्या हो 180 डिग्री पे लग रहे हो। अब इसने कहा व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडिड गेट रिजल्टेंट 30 न्यूटन, ये कहा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या हो कि रिजल्टेंट जो है वो 30 न्यूटन आए। तो इस केस में इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो इस केस में रिजल्टेंट 30 न्यूटन बोला है, तो फॉर्मूला लगाओगे आर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। तो रिजल्टेंट 30, ए की वैल्यू 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर प्लस 2 × 5 × 12 × cos थीटा पूरे का अंडर रूट। तो 13 दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, आ जाएगा आपके 13 का स्केयर
इक्वल टू रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयरिंग करोगे तो 5 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर प्लस 2 इंटू में 5 इंटू में 12 इंटू में कोस थीटा। यहाँ से आ जाएगा 13 का स्केयर होता है 169 इक्वल टू 25 प्लस 144 प्लस 120 कोस थीटा। क्या जाएगा 169 इक्वल टू इन दोनों का सम होगा 169 प्लस 120 कोस थीटा। यहाँ से 169 माइनस 169 इक्वल टू 120 कोस थीटा, तो 0 इक्वल टू 120 कोस थीटा। तो यहाँ से आपके पास 0 डिवाइड बाय में 120 इक्वल टू क्या जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 90 डिग्री। थीटा क्या होगा इनके बीच 90 डिग्री होगा, तभी रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा 30 न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा आपके पास बी।